नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने न्यू ईयर में एक पहला गुड न्यूज़ दिया है सभी छात्रों के लिए, सभी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। SSC ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करने के बाद पहला गुड न्यूज़ डाल दी है। पहला गुड न्यूज़ यह है कि SSC ने CGL का फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है। आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका डेट जारी कर दिया है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देरी होगी, किसी कारणवश मैं आप लोगों के लिए जल्द वीडियो नहीं ला सका, बट फाइनली आप लोगों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि SSC CGL में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आप इसका लास्ट डेट क्या है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ताई चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, SSC का लेटेस्ट न्यूज आप SSC के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आज ही अपलोड हुई है इंपॉर्टेंट नोटिस कैंडिडेट फॉर्म कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जो एग्जामिनेशन के साथ साथ फॉर्म भरने का डेट और साथ में ये एग्जाम कब लेगा इसकी पूरी जानकारी इस PDF के थ्रू यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए कि 23/1/2022 को इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो क्लोज हो जाएगा। अब ये स्टार्ट कब होगा इस वीडियो पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 23 जनवरी इसका लास्ट डेट है और ये 23 दिसंबर 2021 से ही आप इसका फॉर्म भर सकते थे। मैंने आप सभी से माफ़ी भी मांगी कि मैं इस वीडियो को लाने में थोड़ी देरी हो गई। यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर 2021 से आप CGL का फॉर्म भर सकते थे, आप अभी भी भर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 23 जनवरी, यानी पूरे 1 मंथ आपको टाइम दिया है इन्होंने। इसका सिलेबस क्या है, इसके एज लिमिट क्या है, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगेन है 23 दिसंबर 2021 की और इसका लास्ट डेट जो अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं आप, लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी 2022 तक 11:30 PM ओनली, यानी रात तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फीस पेमेंट का लास्ट डेट आपको 25 जनवरी तक है और ऑफलाइन ई चालान पेमेंट का डेट आपका 27 जनवरी तक है। करेक्शन डेट यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 28 से लेकर 1 फरवरी तक। यहां पे साथ ही इन्होंने ये भी बता दी है कि एग्जाम डेट टीयर 1 का जो होने वाली है या अप्रैल में होगी, यानी एग्जाम डेट यहाँ पे फाइनली एग्जाम डेट यहाँ तो जारी नहीं की है, बट इन्होंने ये जानकारी दी है कि अप्रैल में इनका पहला एग्जाम हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल OBC के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस है और SC ST के लिए 0, यानी केवल जनरल ही अपना पे कर सकते हैं 100 रुपीज फॉर्म फीस, बाकी SC ST के लिए फ्री है। आप फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान है, ये सारा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब आपको अब इस वीडियो में बता देंगे कि यहाँ पे एज क्या है, इसका एज लिमिट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSC CGL का एज लिमिट मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 से 32 ईयर्स होना चाहिए। एज रिलेशन एक्स्ट्रा पर SSC CGL का यहाँ पे दिखाई दे रिक्वायरमेंट जो रूल्स है, ये है आपको 18 साल से 27 साल के बीच तक आप CGL का फॉर्म भर सकते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। यहाँ पे आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, पोस्ट नाम और जो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पे शो कर रहा है, आप इसे देख के जान सकते। अब इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 के लिए आपका एग्जामिनेशन सिलेबस जो है, यहाँ पे आपको 4 सिलेबस दिखाई दे रहे हैं। पहला में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। पहला में है रीजनिंग, सेकेंड में आपका जनरल अवेयरनेस होगा और फिर
थर्ड नंबर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर चौथा में आपका सिलेबस है इंग्लिश कंप्रेशन, या चार सिलेबस है जो चारों में 25-25 क्वेश्चन होंगे और 50-50 मार्क्स के हैं। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा टीयर वन के लिए और 100 क्वेश्चन होंगे। टीयर टू में भी सेम सिलेबस रहेंगे, सेम एग्जाम होंगे। टोटल टाइम आपको 1 आवर मिलेगा एग्जाम देने के लिए और ये सारा एग्जाम कंप्यूटर बेसिड पे होगा, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम देना है। टीयर थ्री में आपको पेन एंड पेपर मोड देना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देना होगा एग्जाम। और टीयर फोर में आपका स्किल टेस्ट होगा। इन चारों एग्जाम पास करने के बाद आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे CGL पर। दोस्तों आप ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे इसी तरह के अपडेट लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।